मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयां है। कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अंजुम निसार। आज के प्रोग्राम में भी हमें सबसे पहले जहूर साहब ने लिखा है, आप हंदवारा से हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने सलाम लिखी है सभी दोस्तों को और हमें भी। नगमा सुनना चाहा है आपने तुम बिन फिल्म से। और मुगल नवाज साहब भी हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आप भी हंदवारा से हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने भी सभी दोस्तों को सलाम लिखी है और आपने ये भी लिखा है कि हाउ आर यू, हम बिल्कुल ठीक हैं। आगे आप लिखते हैं, सर आई वांट टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर माय फ्रेंड नेमली वार अयूब फॉर हिज सेफ जर्नी टू नागपुर फॉर हिज स्टडी। तो मेरे दोस्त, आप बने रहें प्रोग्राम में और हमारी दुआ रहेगी आपके दोस्त के साथ कि वो अपनी जो स्टडी है उसमें कामयाब रहें और उसकी जर्नी भी सेफ रहे। यूसुफ मुनवर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे छोटे भाई। आप लिखते हैं, खलूस बरा सलाम मेज़बान व नाज़रीन को। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है। जी हाँ, ख़ानदान फिल्म से नगमा है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। मुबशिर रनियाल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं कि आप रामबन से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। डार एजाज साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में लोफर फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको भी सुनवाने की। महराज बानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, काजीपुरा बांडीपुरा से, आपने भी नगमा सुनना चाहा है। बट रकीब साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, याराना फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है। शेख आशिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है और नगमा आपने भी सुनना चाहा है, बने रहें आप भी प्रोग्राम में। अयान खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है, सलाम आपने भी लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और खालिद निसार साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। जान ताहिरुल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, आई एम योर
रेगुलर लिस्नर तुज्जर शरीफ से आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, यह है मोहम्मद अशरफ रातर साहब, वंगीपुरा सुंबल से आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आपने एक कश्मीरी नगमे की फरमाइश की है, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की, आप बने रहें प्रोग्राम में। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और ख़ानदान फिल्म से नगमा है, यूसुफ मुनवर साहब ने इसकी फरमाइश की है। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया। आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर। हो ना हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हम सफर अंजुम निसार। हमारे एक दोस्त हैं तलहा जावेद अख्तरवानी साहब, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आगे आप लिखते हैं अंजुम निसार सर, आज का पैगाम सभी सामाइन के लिए। और आपने पैगाम यूं लिखा है, आप लिखते हैं माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा।
यकीन मानिए, कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं जहाँ में जिससे हम अपनी माँ की बड़ाई जो है वो बयां कर सकें। माँ तो बस माँ है। जी हाँ, आपने नगमा सुनना चाहा है, किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, सोतन फिल्म से नगमा है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। हमारे एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम की जान मीर असरार प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और आपने लिखा है कि मोहब्बत अमल से नज़र आती है, बातों से तो दुकानदार मुसासिर करते हैं। मेरी तरफ से इश्तियाक भरा सलाम कबूल करें, और कैसे हैं आप भाईजान? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सही बात कही आपने, और हमें मालूम है कि हमारे जितने भी यहाँ पे सामीन हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, यकीनन वो दुकानदार तो नहीं है बल्कि मोहब्बत करते हैं हमसे, हमारे इस प्रोग्राम से, इसी वजह से हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और मेरे ख्याल में कुछ दोस्त हैं उसमें जो सर फहरिस्त हैं, उनमें एक आप भी हैं। खान मंजूर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है, बने रहें आप प्रोग्राम में। और सूफी एजाज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, आप बने रहें प्रोग्राम में। आप अचबल अनंतनाग से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, और मुगल नवाज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में, और आप ये नगमा डेडिकेट करना चाहते हैं अपने एक दोस्त को जो पढ़ने के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। रईस अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वाह कितना अच्छा दिलकश प्रोग्राम, शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि फिरदौस साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं वी आर लिसनिंग फ्राम SDH क्रीरी एट नाइट ड्यूटी, और ये भी आपने लिखा है कि बिलाल अहमद मल्ला फ्राम सोपोर, और जी हाँ शरकवारा से एक और दोस्त आपके हैं ये गुलाम मोहम्मद, और संगरी टॉप मतलब से भी एक दोस्त हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ पे भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मीठी और प्यारी आवाज़ के मालिक समीर लोलाबी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला अंजुम साहब व सभी सुनने वाले सामीन को, वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लिखते हैं कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है, एक इश्क नाम का जो परिंदा खिला में था उतरा जो शहर में तो दुकानों में मट गया। बहुत खूब मेरे दोस्त, और वानी इदरीस साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सोना सना सना लोन हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, आप लिखते हैं कि आपने मन की आंखें फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, तो आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और मुझे लगता है आज आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो सबसे पहले आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और हमारे दोस्त ने इसकी फरमाइश की है। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा है, बहुत खूबसूरत नगमा है, तो हम आपको सुनवाते हैं मेरे दोस्त नगमा। बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे सभी दोस्तों की फरमाइश यहाँ पे पूरी हो। फिलहाल तन्हा जावेद अख्तर वानी साहब के लिए उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। दिल को गाना पड़ेगा,
जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का वो गाना पड़ेगा। मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हमसफर अंजुम निसार। वानी इदरीस साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। बीरवा बड़ागाम से आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। सना लोन साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने मन की आंखें फिल्म से नगमा सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में। हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। सईद अरशद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, हवाओं के दोष पर हमारे अजीज़ुल कदर जनाब अंजुम निसार साहब और दीगर सभी सामाइन की खदमत में प्यार भरा सलाम। क़तः कलामी माफ़ जनाब, प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारी एक तजवीज़ ये है कि अगर एक सिलसिला ऐसा शुरू किया जाए कि कुछ नगमों की फहरिस्त अंजुम साहब आप दिया करें और सामीन उनमें से ही इंतखाब किया करें। ऐसा करने से आपको भी आसानी होगी। सलामत रखिए जनाब। आपकी तजवीज़ तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस पर गौर ज़रूर करेंगे। लेकिन इससे ऐसा जाहिर होगा कि हम अपनी पसंद आप पर थोपेंगे, तो हम चाहते हैं कि बस आपकी पसंद यहाँ पर नशर हो, जो भी नगमा आप सुनना चाहें। खैर, आपकी तजवीज़ जो है उस पर भी गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ इस कदर जुड़े हैं। आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो, और उसके लिए आप अपनी राय लिखते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम दोस्त खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और
शेख आशिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं दोस्त प्रोग्राम में। विशर एक दोस्त हमारे हैं, आपका भी खैर मकदम है। मीर खुशाल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मीर अनीस साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी एक यहाँ पे लिखा है, आप लिखते हैं, खिजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। बहुत खूब, आगे आपने सलाम लिखी है सभी दोस्तों को और मुझे भी, और लिखा है कि भले ही मैं प्रोग्राम का मुस्तकिल सामिया न होता, ताम दोस्ती का भरम रख के इतना ना आजमाते तो कितना अच्छा होता। और आगे लिखते हैं, तवील अरसे के बाद मेरी फरमाइश आज पूरी करना लाजिम तो बनता है। ज़रूर मेरे दोस्त, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की, आप बने रहें प्रोग्राम में। हिन्ना सोफी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम सर, हाउ आर यू एंड सलाम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। और सुहेल इकबाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम दोस्त खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत सारे दोस्त आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। माहवीन राजा साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम है दोस्त। और मलिक सादिया प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी खैर मकदम है। मोहम्मद यासीन अनजान साहब हैं, मुस्तकिल सामिया हैं, आप हमारे हर रोज़ प्रोग्राम में जुटते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप वधा साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप हमेशा लिखते हैं, सलाम आदाब दिल से दिल तक कंजुम सर, वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। फिलहाल नगमा सुनते हैं, सना है हमारे एक दोस्त, उन्होंने इसकी फरमाइश की है, तो ये रही आपकी पसंद। जाने वाले आजा तेरी याद।
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अनायत साहब। इन्होंने तकदीर फिल्म से कोई भी नगमा सुनना चाहा है, तो हम आपको इस फिल्म से खूबसूरत सा ट्रैक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनवाते हैं। और उस्मान बोहरा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मेरे ख्याल में आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हैं, तो आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। हमारी एक बहन है नौपुरा श्रीनगर से जो हमारे साथ जुड़ती हैं प्रोग्राम में, शाजिया खान साहिबा। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे आप लिखती हैं, मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। आज मैं फरमाइश नहीं करूँगी, आज मैं दूसरों को मौका दूँगी जिसकी काल फरमाइश पूरी नहीं हुई है। प्लीज़ उनको आज फरमाइश पूरी पूरी करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप हमारे बाकी सुनने वालों का भी ख्याल रखती हैं, और मेरे ख्याल में यही एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप देहरादून से इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। पीर जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं, मुझे भूल ना जाइए, कभी नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, आपको भी और ना ही हमारे सुनने वालों को। वेल विशर नाम के दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, और एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं मोहम्मद अफजल साहब, आप बांडीपुरा से हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आप लिखते हैं, अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, इस प्रोग्राम के बारे में क्या लिखूं? ये गाने इतने खूबसूरत हैं कि बस यूं समझिए कि 40-50-60 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग इनको पसंद करते हैं और शायद हमेशा पसंद करते रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है माशाल्लाह। और आगे आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, आप मुगले आजम फिल्म से नगमा सुनना चाहते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और फिलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं, तकदीर फिल्म से नगमा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ये रही आपकी पसंद। मुझे भूल जाना अगर हो सके
सके न फिर याद आना अगर हो सके मुझे भूल जाना अगर हो सके मुझे भूल जाना दोस्तों। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नशर हो। इसके लिए हमें आपकी आरा और तजावीज़ की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ आप हमें हमारे इनबॉक्स में लिखिए कि आप इस प्रोग्राम में क्या तब्दीली चाहते हैं ताकि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में नशर हो पाए। और बहुत सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में आज पहली बार शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। पीर जावेद इकबाल साहब दर्दपोरा करालपुरा से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपने निकाह फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आपने ज़िंदगी के हवाले से लिखा है कि कभी हंसा हंसा कर रुलाती है ज़िंदगी, कभी रुला रुला कर हंसाती है ज़िंदगी, कभी लगता है ज़िंदगी पर साथ निभाएगी ज़िंदगी, कभी लम्हे में साथ छोड़ जाती है ज़िंदगी। ज़िंदगी तू ही बता क्या चाहती है ज़िंदगी, राज ज़िंदगी के सिखाती है ज़िंदगी, बगैर बंदगी के बेकार है ज़िंदगी, दिल जो बेकार है तो शर्मसार है ज़िंदगी। बहुत खूब मेरे दोस्त, आपने निकाह फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। जैन इमाम साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप श्रीनगर से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, पहली बार आज आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और उस्मान वोरा साहब लिखते हैं, अंजुम जी कैसे हो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, बिलाल रजाक साहब, आप ऋषिनगर शुपियां से जी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सूरज फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की।
शेख इस्माइल पटेल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और आप महाराष्ट्र से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। रईस अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सूरज फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, आप भी ऋषि नगर शुपियाँ से प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो आप दोनों के लिए हम नगमा ज़रूर पेश करेंगे, आप बने रहें प्रोग्राम में। तो हमारे एक दोस्त हैं, जी हाँ, ये हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो आज आपका एक दोस्त आपके कहने के मुताबिक बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनके लिए एक नगमा डेडिकेट करना चाहते हैं। हम ज़रूर आपकी जो फरमाइश है वो पूरी करेंगे, बल्कि आप अपने दोस्त के लिए नगमा डेडिकेट करना चाहते हैं, ज़रूर आपको सुनवाते हैं, बल्कि हम भी चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो बिल्कुल सेफ तरीके से अपनी मंजिल पर पहुँचे, और वहाँ जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद बिल्कुल 100% पूरा हो। नगमा आपके दोस्त के लिए पेश कर रहे हैं, ये रही आपकी पसंद। कभी कभी ऐसा होता है जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। कब अरमां मच लेंगे किसको है ये पता, कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता, प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगी आंखें सपना, जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगी आंखें सपना, जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले। कब कहा माना है तू,
ये सोच ले कब अरमां मच लेंगे किसको है ये पता कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता प्यार हो जाता है ऐसे जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा दोस्तों अपनी बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं और बिलाल रजाक साहब और रईस साहब ने नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सूरज फिल्म से नगमा है और आप ऋषि नगर शुपियाँ से हमारे साथ प्रोग्राम में जुटते हैं हम आपके लिए आपकी पसंद का ये नगमा ज़रूर पेश करेंगे और बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो बने रहें प्रोग्राम में जो भी अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे सुनना चाहते हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम में बने रहें हम कोशिश करेंगे सभी दोस्तों का जो पसंदीदा नगमा है वो यहाँ पे उनके लिए पेश किया जाए और उस्मान वोरा साहब लिखते हैं हमारा सॉन्ग बजाइए सर जी ज़रूर आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करें हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे वानी इदरीस साहब लिखते हैं अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम मैंने रिक्वेस्ट की थी कि रफ़ी साहब की आवाज़ में उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं मेरे ख्याल में और मूवी का नाम लिखा है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे फॉर्मेट के हिसाब से अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करें उससे मुझे आसानी हो जाती है ये समझने में कि आप कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ अगर आप उस हिसाब से यहाँ पे नगमा टाइप करें अपनी पसंद का तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारे यहाँ पे जो मुस्तकिल सामिया हैं सामीन हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ यहाँ पे वो फॉर्मेट हमारे नए दोस्तों को बता दें ताकि वो भी अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करें नगमा सुनते हैं सूरज फिल्म से नगमा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और ऋषि नगर शुपियाँ से हमारे दोस्त इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है ये रही आपकी पसंद बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है लगा इन गोरे हाथों में उतर आ ए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है तान दो एक नूर की चादर
शर्मीला दिल पर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब ये सेज उल्फत की इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दोस्तों, अपनी सूरज फिल्म से नगमा सुना, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं, उस्मान बोरा साहब। अपनी चांदनी फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। आकिब भट्ट साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो आकिब भाई, आपका हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और आप सब से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है तो आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नज़ीर अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, बने रहें आप प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। आरिफ वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, प्लीज़ अंजुम सर सॉन्ग सुना देना और हम कोशिश करेंगे मेरे दोस्त आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। जहूर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, वो भी अपनी पसंद का नगमा सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप प्लीज़ बने रहें प्रोग्राम में, अगर वक्त हमारे पास बचा तो आपके लिए आपकी पसंद का नगमा हम ज़रूर पेश करेंगे। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं। जी हाँ, नगमे को सुनवाने के लिए हमारे जो नए दोस्त आज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उन्होंने लिखा है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। Oh,
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफर अंजुम निसार। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10:00 बजकर